मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम दूसरी कक्षा का पढ़ो आनंद लो, यानी ये पाठ सिर्फ सुनने के लिए है और खुशी मनाने के लिए, यानी एंजॉय करने के लिए। यानी इसमें अपने को क्या समझ में आता है बोले तो, थोड़ा मोरल क्या सीखना है, थोड़ा नॉलेज कैसे इस्तेमाल करना है, ये यहाँ पे ऐसे स्टोरियन से अपने को समझ में आता, अपना टैलेंट क्या है, ऐसे चीज़ों से ये कहानियाँ जुड़े हुए रहते। इसलिए आज अपन पढ़ो आनंद लो में से रामू की चतुराई। ये रामू एक लड़का है, उसकी चतुराई यानी उसकी होशियारी के बारे में अपन देखेंगे, उन्होंने कितना होशियार है और क्या काम से उन्हें होशियार हुआ, उसका इंटेलिजेंस क्या थी वो अपन यहाँ पे देखेंगे। रामू अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा था, इतने में गेंद उछलते हुए पेड़ के एक कोटर में गिर गया। रामू बोल के एक लड़का है, यहाँ पे ये रामू अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल के ऐसा यानी तो एक गेंद लेके गेम खेल रहा था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा झाड़ है, झाड़ में एक सुरंग है, एक गटर, तो ये बॉल क्या हुआ खेलते खेलते जाके वो गटर के अंदर गिर गया, पेड़ के अंदर। गेंद के लिए बच्चों ने पेड़ के कोटर में हाथ डाला, चींटियाँ ने काट लिया। वो जो अंदर पेड़ के जो सुरंग है उसके अंदर बच्चे गेंद निकालने के लिए हाथ डाले तो वहाँ अंदर चींटियाँ थे, ये चींटियाँ बच्चों को काट लिए। रामू ने एक बढ़िया तरकीब पाया, एक तरकीब सोचा। ये रामू लड़का एकदम एक प्लान सोच लिया इन्होंने, आखिर ये गेंद उसमें से कैसा निकालना, ये चिमटियों से कैसा बचना, क्योंकि गेंद निकालने के लिए ये गटर में हाथ डालेंगे तो चिमटियाँ काट ले रहे, लेकिन खेलने के लिए गेंद होना है। झाड़ के जो पेड़ है वो पेड़ पे एक सुरंग बने हुआ है, अब इसे निकालना अपने लिए ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, इसलिए बोल के इसको एक प्लान सोचा। अब बच्चों आप लोग बोलिए, अगर से ये गटर में से निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़रा सोच लीजिए आप लोग। ये रामू की चतुराई में और आपकी सोच में कुछ फ़र्क रह रहा क्या, इसे गौर कर लेना है। यहाँ पे रामू की चतुराई क्या है देखिए, आप लोग क्या सोचिए आप लोग सोच के रख लीजिए। अब रामू का प्लान अपन देखेंगे। घड़ों से पानी लाके पेड़ के कोटर में डाला, रामू क्या करा घड़ों से पानी लेके आया, वो जो सुरंग है झाड़ का वो सुरंग में पानी डालना शुरू करा, गेंद तीरते हुए ऊपर आने लगा। जैसा पानी डालते गया ये गेंद वो पानी में तीरते हुए ऊपर आने लगा। इस तरीके से ऊपर आने के बाद बच्चे खुशी से वो गेंद को ले लिए और खेलना शुरू करें। बच्चों ने रामू की चतुराई की प्रशंसा की, इस तरीके से गटर कोटर में पानी डालना और गेंद ऊपर आना और गेंद ले लेके खेलना, ये सब होने लगा और बच्चे ये रामू की होशियारी को देख के बहुत खुश हुए और इसकी होशियारी के लिए तारीफ करते रहे। ये थे रामू की चतुराई। अब आप लोगों की होशियारी क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये जो लड़का जो गेंद का मतलब है बॉल, पानी में से निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीक़ा इस्तेमाल करा और वो गेंद तीरते हुए बाहर आ गई और इन लोग ले लिए, खेल लेना शुरू करें। ये था पढ़ो और आनंद लो में से रामू की चतुराई का पाठ। ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो रहा है।